जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर पुलिस व स्वाट टीम ने चितौली रोड पर चेकिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को गिरफ्तार किया है, जो कि सुपारी लेकर हत्या को अंजाम देते हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक घायल हो गया है, जिनके एक और साथी को पुलिस ने सोना पेट्रोल पंप के समीप से गिरफ्तार कर लिया है। कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि गाजियाबाद निवासी अजय यादव की हत्या करने जा रहे थे। गैंग का सरगना मोंटी सागर उर्फ मनीष है, जो कि एनकाउंटर के दौरान घायल हो गया। आपको बता दें कि हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि शुक्रवार की देर रात हाफिजपुर पुलिस और स्वाट टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक पर सवार होकर जा रहे 3 बाइक सवारों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और मुंहतोड़ जवाब दिया। एनकाउंटर के दौरान मोंटी पुत्र जोगेंद्र निवासी मोहल्ला राजीव नगर गढ़मुक्तेश्वर घायल हो गया। पुलिस ने मोंटी समेत ललित पुत्र भतनपाल निवासी गांव सबली हापुड़ तथा ओमबीर पुत्र रामलाल निवासी मोहल्ला राजीव नगर नई बस्ती गढ़मुक्तेश्वर को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी सल्लू यादव उर्फ सुरेंद्र पुत्र गुल्लू उर्फ गुलाब सिंह निवासी गांव पूठी हसनपुर गाजियाबाद के साथ गाजियाबाद की पूठी हसनपुर निवासी अजय यादव की हत्या करने के लिए जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने सोना पेट्रोल पंप के पास से सल्लू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। बीती रात थाना हाफिजपुर द्वारा अवांछनीय तत्वों की चेकिंग की जा रही थी, इतने में एक बाइक जो थाना पुलिस द्वारा रोकने का जिसको प्रयास किया गया वह नहीं रुकी। उस बाइक में 3 व्यक्ति सवार थे और आगे जा कर के जब पुलिस टीम उनका पीछा करने लगी तो बाइक सवार व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई। इस फायरिंग के उपरांत थाना हाफिजपुर की जो पुलिस टीम थी उन्होंने भी उसके ऊपर जवाबी फायरिंग करी, जिसके बाद 3 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक बदमाश मोंटी इसको गोली लगी पुलिस की और ये घायल हो गया। इन 3 व्यक्तियों से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये जनपद गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे, जहां पर इनको एक अपने अन्य साथी के साथ मिलकर के जिसका नाम सल्लू यादव और सुरेंद्र पुत्र गुल्लू है, जो पूटी हसनपुर थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद के रहने वाले हैं, इनको मिलकर के घटना कारित करनी थी। घटना जब इनसे पूछी गई तो इन्होंने ये पूछताछ में बताया है कि जनपद गाजियाबाद के रहने वाले पूटी हसनपुर ग्राम थाना वेव सिटी के रहने वाले राजेंद्र द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई जानी थी उसी गांव के निवासी अजय यादव की, जो ग्राम पूटी हसनपुर थाना वेव सिटी गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं। इन्होंने पूरी घटना का उल्लेख करते हुए ये भी बताया कि राजेंद्र के एक भाई हैं सत्येंद्र यादव, जिन्होंने एक ज़मीन की डील करी थी अजय यादव नाम के व्यक्ति के साथ। अजय यादव द्वारा छल कपट किया गया और जो ज़मीन के पैसे थे वो अभी तक इनको नहीं दिए गए थे। इसी बात की रंजिश मानते हुए राजेंद्र ने अपने दोस्त सुरेंद्र को संपर्क किया और उसके थ्रू एक और व्यक्ति पुष्पेंद्र को संपर्क करके जो घायल बदमाश है मोंटी से संपर्क साधा और मोंटी को 20 लाख रुपए की पेशगी की और बोला कि 20 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे यदि आप अजय यादव की हत्या करते हैं, और 10 लाख रुपए हत्या करने से पहले और 10 लाख रुपए हत्या करने के बाद इनको दिए जाने थे। इसमें ऑलरेडी अजय यादव और राजेंद्र के बीच जो रंजिश है उसमें थाना वेव सिटी में ऑलरेडी एक अभियोग पंजीकृत भी है, और जो ये सभी बदमाश हैं ये मिल करके पैसे के लालच में अजय यादव की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना चाह रहे थे। इसमें मौके से हमें एक चोरी की मोटरसाइकिल, लगभग 3 अवैध असला बरामद है, कुछ नकदी बरामद है और एक चोरी का फ़ोन भी बरामद है जो इस घटना में ये लोग प्रयुक्त करना चाह रहे थे। ये सभी 4 व्यक्ति जो गिरफ्तार हैं इनसे अभी गहन पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ इस पूरी घटना में जो अन्य व्यक्ति भी शामिल होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।